जनपद मैनपुरी एक तरफ, जनपद में अवैध कब्जे को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है, वहीं दबंग लगातार अवैध कब्जे कर रहे हैं, वहीं पुलिस उनको पूरा संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी के थाना करैल के नगला कंस का सामने आया है, जहां दबंग कर रहे हैं जमीनों पर अवैध कब्जे। अगर हम बात करें मैनपुरी की करैल की, तो ग्राम कंस में दबंगों के द्वारा किया गया अवैध कब्जा, वही पीड़ित के परिजनों को पुलिस ने उठाकर बंद कर दिया। न्याय के लिए पीड़ित के परिजन ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, वही एसपी ने पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए। पूरा मामला थाना करैल के नगला कंस का है, जहां पर 3 दिन पूर्व नगला कंस में अवैध कब्जा कर रहे अनुज प्रताप सिंह, अवनीश यादव, जिन्हें पुलिस ने खाना पूर्ति कर छोड़ दिया। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। जितन कब्जा मेरा कर लिया है। अच्छा, किन लोगों ने कब्जा कर लिया? अवनीश यादव प्रधान और अनुज प्रताप। ये कहाँ के रहने वाले? नगला कंस, वर्तमान में प्रधान। आपने इसकी शिकायत थाना कोतवाली में की? जी जी। तो क्या कार्रवाई? थाने में कार्रवाई की, तो जो पुलिस आई, उन्होंने थोड़ा बहुत रोका, फिर भी जो उन्होंने जी बोल दिया। मैंने नगला कंस की, मेरी बहन उनके ही नगला कंस की दबंग वर्तमान प्रधान कब्जा किया है, उस संबंध में। आपने करहल पुलिस से इसकी शिकायत की थी? करहल पुलिस से इसकी शिकायत की। तो क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई यही, पुलिस आई, मने कर गई, उसके बावजूद भी उन्होंने भूल ला दी, उसके फिर शिकायत की, फिर पुलिस आई, मने कर गई, ये लोग नहीं माने, तो ये वर्तमान प्रधान अमीस आया और इसको ले गई, हमारे चाचा हैं उनको ले गई और उसको रात में छोड़ दिया और उनको वहाँ बैठा। ये अभी तक चालक।